अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उधर सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीवर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज फादर्स डे है, और फादर्स डे के लिए हम लोग जो है वो केक लेने के लिए बेकरी जा रहे हैं, और आज हम आपके साथ जो सी वीडियो शेयर करेंगे वो है फादर्स डे के हवाले से। तो वीवर्स, आप लोगों ने हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना है, देखना कि हम लोगों ने आज जो फादर्स डे के सेलिब्रेशन वो कैसे किया। मौसम बहुत ख़राब है, बादल आए हुए हैं और बारिश का इम्कान है, किसी वक्त भी कोई भी तूफ़ानी बारिश शुरू हो सकती है। तो अभी हम लोग चलते हैं बेकरी और आपको वहां पर जाकर दिखाते हैं बेकरी का भी थोड़ा सा, और हम लोग केक खरीदते हैं और दोबारा वापस आते हैं। तो आप सब लोगों को हैप्पी फादर्स डे, अपने फादर का ख्याल रखें और उनकी कदर करें। ये कोई एक दिन से मनाने से फादर डे नहीं होता, ये जो सा वालदैन का दिन है रोज़ ही होता है, तो इसलिए जस्ट लेकिन फिर भी एक मतलब डे स्पेसिफिक किया हुआ है तो हम लोग इसको मनाते हैं। और हमें अपने कीमती सरमाए की जो सी है देखभाल वो पूरा साल करनी चाहिए, दिन रात करनी चाहिए, क्योंकि इनके ही दम से हमारी जितनी खुशियां हैं और कामयाबियां हैं। तो व्यूवर्स, अब हम लोग चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, मिस नहीं करना, और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को क्योंकि विद नाज़नीन को सब्सक्राइब कर ले। मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है और हमने सोचा कि इससे पहले बारिश शुरू हो जाए हम लोग जाके केक ले आते हैं। और बाकी भी घर में से हमारा प्लान है आज के हम लोग मतलब जाके रेस्टोरेंट में खाना खाएँ, आउटिंग करें, और फिर जो जो मतलब जैसे जैसे होगा हम आपके साथ अपनी वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग हमारी यूट्यूब की फैमिली है, हम लोग आप लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में शामिल करते हैं। तो व्यूवर्स, अब हम लोग फाइनली बेकरी पर आ गए हैं और कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर केक हैं। तो अब इनमें से जो सा केक पसंद आता है वो हम लोग खरीद लेते हैं। मैं कोई ज़्यादा बड़ा केक नहीं लूँ क्योंकि मतलब पापा को डायबिटीज़ है, इसलिए हम थोड़ा अवॉइड ही करेंगे इतना मीठा वगैरह खाने से। लेकिन फिर भी मैं केक लेकर यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे हैं, मतलब पूरी बेकरी है तो उसका भी आप मतलब एक ओवरव्यू ले लें। अब हम लोग जल्दी से जाकर फिर अपने घर में जो सा है वो कुछ खाने पीने का करेंगे। मौसम जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ ख़राब है, और किसी वक्त भी तूफ़ानी बारिश शुरू हो सकती है, और इसीलिए जल्दी से हमें चलना चाहिए अपना घर ख़रीदारी करके। जैसा कि आप लोगों को हमने कहा था कि अब हम लोग केक लेने के लिए जा रहे हैं, तो केक हम लोग लेकर आ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा ये खूबसूरत सा केक है। तो अब हम पापा का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही पापा आते हैं तो हम जो उनसा है वो केक काट लेते हैं। तेरे पापा नहीं अभी तक आए?
हाँ पापा आ जाए फिर हम लोग केक काट लेते भी हैं। किया था, कह रहे थे आ रहे हैं, बस जल्दी आ रहा है। हाँ ये केक भी इंतजार कर रहा है, इसके ऊपर हैप्पी फादर्स डे भी लिखवाया हुआ है, बेचारा कितना इंतजार कर रहा है। पापा लो जी पापा भी आ गए हैं, पापा आ गए, मम्मा अब हम जल्दी से केक काट लेते पापा हैं। पापा को हाथ धो के आ जाओ जल्दी से, कोरोना है। चलो जी पापा आप जल्दी से हाथ धो के आ जाओ, और आप मैं ले आऊं खाने पीने का सामान। मैं कह रही कुछ नमकीन चीज भी ले आओ थोड़ी सी। हाँ कुछ थोड़ी सी नमकीन चीज भी लेके आती हूँ, तो आप बैठो मैं जल्दी से अभी लेके आती हूँ। जी तो व्यूवर्स हम लोगों ने यहाँ पर स्पेक्टी भी रख ली है, कोक भी रख ली है, पापा भी आ गया। तो पापा आप बताए आपको इतना टाइम क्यों लग गया आने में? तूफानी बारिश हो रही थी, बैग भी आता आ रहा था, इसलिए देर हो गई मुझे। तो लाइट भी तो चली गई, लाइट भी चली गई है, और उसके आंधी बहुत आई, बिजली बहुत आज बहुत आई, बिजली बहुत चमकी, बारिश बहुत तेज। हाँ हमारा तो सारा मतलब मूड खराब हो गया, हमने पूरा प्लान बनाया हुआ जाके लेकर आएंगे, लेकिन अब बाहर कैसे कहीं जाने आने का मतलब, ऊपर से लाइट बंद हो गई है, बिजली चमक रही है, तो मम्मा तो वैसे भी मुझे फिर बाहर नहीं जाने देते। तो अब केक काटे हम लोग। हाँ, तो जितने भी देखने वाले हैं सबको आज हैप्पी फादर्स डे, और मेरे पापा को भी बहुत बहुत फादर्स डे मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। तो मम्मा आपने क्लैपिंग करनी है, पापा आपने केक काटना है। 1 2 3 फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, अल्लाह ताला आपको साया हमारे सरों पे काट। तो हम लोगों ने आज फादर्स डे का केक काट लिया, ठीक है पापा आप रख दें नाइफ रख दें, और फिर आज मैं सारे जितने भी देखने वाले हैं उन सबसे कहूँगी कि आप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन का साया हमारे सरों पे सलामत रखे, और इस तरह के हज़ारों दिन मेरे वालिद के नसीब में आए, और सेहत याबी तंदुरुस्ती के साथ वो हम लोग की सब लोग आप लोग भी फादर्स डे मनाते रहें। तो आप लोग हमारे यूट्यूब माँ बाप को अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती, आमीन आमीन, सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, जितने भी देखने वाले हैं अल्लाह ताला सब लोगों पे उनके वालिद और वालदा का साया सलामत रखे। तो व्यूअर्स आप सबको बहुत बहुत फादर्स डे की मुबारकबाद, और अब हम लोगों ने केक काट लिया है, और अब इजाज़त ले लें। हाँ जी आपने कुछ कहेंगी क्या आपके बच्चों के पापा? हाँ जी मेरे बच्चों के पापा, मेरे चुन्नू के पापा, मेरे मुन्नू के पापा, आपने कुछ कहेंगी चुन्नू मुन्नू के पापा? अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला इन्हें खुशियां दे, बस अल्लाह ताला हमारे सरों पे सलामत रखे। जिनके नहीं है माँ बाप अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, जैसे मेरे माँ बाप नहीं है अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, आमीन, उनके दर्जात बुलंद करे। और इसी तरह व्यूअर्स हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो छोटी सी वीडियो जो हमने फादर डे के वाले साहब के साथ शेयर की है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब हमारी वीडियो देखते हैं, तारीफ करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है आपसे, हमारे बहन भाई हम आपसे हर बात शेयर करते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आप लोग के साथ शेयर करते हैं हम लोग, और बहुत हमारा हौसला अफजाई आप करते हैं, हमें लाइक करते हैं, हमें देखते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, देखें, और हम इसी तरह सपोर्ट करते रहे। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे।